नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। त्रिवेणी गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैलोखड़ी वार्ड संख्या 15 में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि मुलुल खातून अपने ही गांव के खेत में बकरी चरा रही थी, इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में वो आ गई, जिससे महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि वज्रपात की चपेट में आने से महिला सहित उसकी बकरी की भी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब आसमान से काला बादल छाया तो महिला अपनी बकरी को लेकर घर लौट रही थी, तभी वज्रपात की चपेट में वो आ गई। ग्रामीणों ने बताया कि जब आकाशीय बिजली गिरी तो बहुत जोरों से आवाज आई, जब देखा तो वहाँ पर धुआं नजर आ रहा था। आसपास के लोग दौड़कर वहाँ आए तो देखा कि मुलुल खातून और उसकी बकरी की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे बकरी चराने के लिए जा रही थी, उधर से बकरी मेघ लगाया, बकरी चरा के घूर रही थी और बीच में बेलोकरी और बकरी के बीच में तड़का इसके नजदीक में गिर गया। नजदीक में गए, उसी से इसकी मृत्यु हो गई। वहीं पे हो गए कि हॉस्पिटल का दौरान? नहीं नहीं नहीं, वहीं पे वहीं पे। तो आप लोग कैसे देखे वहाँ लगे? बस रोड चलता रोड था और गाड़ी घोड़ा आ रहा था और लोग अचानक वहाँ पे देखा, जैसे से घटना हुआ वहाँ पे काफी देर से धुआं चल रहा था, जैसे आग लगता वैसे ही काफी देर से धुआं चल रहा था वहाँ। इसी वजह से सारा आदमी वहाँ पे पहुँचा। आप लोग वहाँ से गए थे तो मृत पाई गई? क्या क्या नाम था उसका, मृत महिला का? मुलुर खातू। पति का उसका? मोहम्मद उमेदी। कितना एज होगा उसका? 45। पूरा एड्रेस बोल दीजिए उसका। घर बेलोकड़ी हुआ, थाना त्रिवेणी गंज हुआ, वार्ड नंबर 15 हुआ, जिला सुपौल हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। कौन लाया आपका रिश्तेदार में? वो मेरे रिश्तेदार में मामी का रिश्ता। मामी का रिश्ता। आपका भी एड्रेस यही है? हुआ था यहाँ पे बोलिए तो सर, वो पलार पर था बकरी लेकर के और उधर से आ रहे थे और तड़का गिर गया। तड़का गिर गया, कहाँ पे गिरा था? ये बेलोखड़ी और पकड़ी के बीच में, पलार पर। बेलोखड़ी और पकड़ी के बीच में। क्या नाम था उसका? नाम भैया अलाउद्दीन खाते। उसके पति का नाम? मोहम्मद उमेदी। पूरा एड्रेस बताइए उसका। मोहम्मद उमेदी। उसका पूरा पता? पता बताइए ना, पता। घर कहाँ है? घर बेलोखड़ी, वार्ड नंबर 15। थाना कहाँ पड़ता है? त्रिवेणी गंज। कितना उम्र होगा लगभग उसका? वार्ड नंबर 45। 45 का एज होगा। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तफी। पूरा एड्रेस यही है? बेलोखड़ी। यहाँ पर तड़का गिरा है। अच्छा जी। एक महिला बकरी लेके जा रही थी घर जी, बकरी भी खत्म है, यहाँ बकरी है पड़ा हुआ जी, और महिला भी खत्म होगी। कितने देर पहले हुआ? लगभग हाँ आधा घंटा पहले। रोड का नक्शा भी देख लीजिए, रोड करेगा, रोड भी करेगा, दो जगह है आगे पीछे दोनों जगह। R9 भारत के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट, त्रिवेणीगंज। नावकोठी थाना क्षेत्र के पैसारा पूर्वी पंचायत के पीरनगर गांव वार्ड संख्या 8 में बुधवार को हुई सड़क दुर्घटना में घायल पूर्व हरिजन महिला सरपंच ललिता देवी की इलाज के क्रम में मंगलवार को मौत हो गई। मृतका उक्त गांव के राज किशोर राम की 30 वर्षीय पत्नी बताई गई है। विगत दिनों बकरी मंजौल मुख्य मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार ने महिला को टक्कर मार दी। आनन फानन में परिजनों ने महिला को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल ले गए, जहां महिला को प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया। परिजन बेगूसराय के दो निजी क्लिनिक में भटकते रहने के बाद निजी क्लिनिक ने भी बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने की सलाह दी। वहां दिन भर भटकने के बाद एक निजी क्लिनिक ने इलाज के लिए रखा, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने भी असमर्थता जताई। पटना से वापस आने के क्रम में ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। महिला ही अपने घर में कमाऊ सदस्य थी। महिला जीविका में CM पद पर कार्यरत थी। महिला अपने पीछे 3 बच्चे छोड़कर गई है। सूचना पर पहुंचे पंचायत के मुखिया दिनेश यादव ने पूर्व सरपंच के मौत पर उनके कार्यों की चर्चा करते हुए दुख व्यक्त किया और बताया कि इसके लिए मैंने थाना प्रभारी एवं नावकोठी अंचलाधिकारी को सूचना दे दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि महिला को मुआवजा मिले। मोटरसाइकिल वाले आए मार के। आप कौन हैं? आप अपने बारे में बता दीजिए। हम उनका पति बोल रहे हैं। तीनों बच्चा कौन है? मेरा लड़का है तीनों। जब मोटरसाइकिल वाले ने मारे तो हम पेशेंट को लिए गाड़ी किए
गाड़ी करने के बाद हम उसको उठाए चल दिए ट्रीटमेंट के लिए बेगूसराय डॉक्टर संजय कुमार के यहाँ भर्ती कराए। भर्ती कराने के दौरान तीन दिन तक वहाँ उनको ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद चले गए हम अमृत जीवन, वहाँ भी लगभग दो दिन तक चला। दो दिन चलने के बाद तीसरा दिन चले गए सदर काट करते गए। सदर से भी ट्रांसफर कर दिया पटना के लिए। पटना गए तो पटना में हमें एम्स गए, एम्स में नहीं हुआ। उसके बाद पीएमसीएच आए, उसमें भी भर्ती नहीं हुआ। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किए। एडमिट करने के बाद लगभग 7:30 बजने के क्रम में उन्होंने डॉक्टर एडमिट ले लिया। एडमिट लेने के बाद उन्होंने देखा, देख के हमको समझाया। समझाने के बाद बोला इसका ब्रेन डेड कर चुका है, शारीरिक रूप से ये हैं, इनका कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है, इसके लिए भारत धरती पर कोई इलाज नहीं है, आप जो चाहिएगा आप कर सकते हैं। जब रात भर हमने वहाँ रुका, देखा, डॉक्टर ने अपना और प्रयास किया। प्रयास करने के क्रम में मतलब देखा नहीं हो पाएगा कुछ, तो हमको बोले आप घर लेके चले जाइए। घर लेने के आने के क्रम में वहाँ से एम्बुलेंस किए, एम्बुलेंस के द्वारा घर पहुँचाया गया ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन जहाँ ही पहुँचे घर छूटा, कुछ ही पल के बाद उसका आपका क्या कहना? ये तो बहुत दुखद घटना है। ये तो हमारे ललिता देवी पूर्व में सरपंच थे, इनका कार्य बहुत सराहनीय रहा, और जहाँ तक हम लोगों का प्रयास रहेगा इनको मुआवजा दिलाने का। अभी थाना प्रभारी को भी हम कॉल किए हैं, वो भी आ रहे हैं। सीओ साहब जो आपदा विभाग से जो राहत देते हैं वो भी प्रयास करेंगे मिल जाए। गाड़ी जो है सो गाड़ी तो वर्तमान में भी यही है जो गाड़ी से धक्का लगा है, इसमें भी जहाँ तक प्रयास होगा जो इंश्योरेंस क्लेम में मिलता है वो भी दिलवाने का करेंगे प्रयास। यही मेरा ख्याल। ऑनलाइन भारत के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट, नावकोठी। पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमहा पंचायत के तेतराही वार्ड संख्या 3 निवासी मदन कुमार यादव एवं शराबी महेशपुर निवासी मोहम्मद हजरत पिता मोहम्मद रजाक उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जानकारी देते हुए पिपरा थाना अध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर वार्ड संख्या 3 निवासी मदन यादव के घर की तलाशी ली गई। मदन यादव के घर की जब तलाशी ली गई तो घर के पीछे में प्लास्टिक की बाल्टी में 18 बोतल जिसमें मैकडॉनल्ड की 375 ml की 10 पीस, 180 ml की 3 पीस और दिलावले की 300 ml की 5 पीस शराब थी। मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ महेशपुर निवासी मोहम्मद शराब पीकर अन्य लोगों से गाली गलौज कर रहे थे। अचानक इसकी खबर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचते ही मोहम्मद हजरत भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस बल ने उसको पकड़ लिया। ऑनलाइन भारत के लिए दीप नारायण की रिपोर्ट, पिपरा। बुधवार को मझौलिया पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 1.5 लीटर चुलाई शराब के साथ पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार और जेल भेजा। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि थाना कांड संख्या 413/21 के नामजद अभियुक्त भनाचक वार्ड संख्या 14 निवासी स्वर्गीय सुग्रीव राउत के पुत्र वैद्यनाथ राउत को 1.5 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उधर मैनाव ग्राम निवासी यमुना सैनी के पुत्र के यहां से 2 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। कारोबारी भागने में सफल रहा। इस छापेमारी दल में विजय सिंह, योगेंद्र सिंह आदि पुलिस बल शामिल रहे। ऑनलाइन भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझौलिया पश्चिम चंपारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत। अब आप ऑनलाइन भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।